केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल मेरे साथ है। बघेल साहब, सस्पेंड हुए 13 सांसद का लोकसभा से और एक राज्यसभा से, तमाम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप भी उसी प्रोटेस्ट से गुजर कर आए हैं। सोनिया गांधी समेत तमाम विपक्ष के नेता उनको समर्थन दे रहे हैं। विपक्ष कह रही है आप लोग तानाशाही के रास्ते पे चले गए हैं, सवाल उठाने पे भी बाहर कर देते हैं, बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। देश है वो तो संविधान और कानून से चलता है। लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा की प्रक्रियाओं से, नियमावली से, उसके बनाए हुए नियमों से और परंपराओं से। जब माननीय उपराष्ट्रपति महोदय ने, चेयरमैन राज्यसभा ने और लोकसभा अध्यक्ष ने उन सांसदों के आचरण को प्रतिकूल समझा होगा, दूसरा नियमों का हवाला देते हुए उनको सस्पेंड किया गया होगा, तो ये विधि सम्मत है। नहीं, वो कहते हैं कि जब संसद में ब्रीच हुआ, बाहर के लोग घुसे, गैस, पीले कलर का गैस पूरा छोड़ा, वो केमिकल भी, जहरीला भी लेके आ सकते थे, उस मुद्दे पे सवाल उठाया, गृह मंत्री से अगर जवाब पूछा जा रहा है, इसलिए आप लोगों ने सस्पेंड किया कि विपक्षी रहेंगे नहीं तो सस्पेंड तो सवाल नहीं पूछेंगे? ऐसी बात नहीं है, सस्पेंड कुछ लोग हुए हैं, सवाल पूछने के लिए बहुत से लोग हैं जो सदन में अगर आए और अपनी बात करें, शून्यकाल में वो अपनी बात कह सकते हैं, 377 में अपनी बात कर सकते हैं, कॉलिंग अटेंशन द्वारा वो अपनी बात कह सकते हैं। इसके अलावा जब भी कोई भी गृह मंत्री या संबंधित मंत्री जवाब देंगे तो तथ्यों पर आधारित देंगे। इतने जल्दी इतनी बड़ी घटना की जांच नहीं होती है। डीजी सीआरपीएफ को सारे प्रकरण की जांच करने को दी गई है, जब वो जांच आ जाएगी तब एक पूरा कायदे का बयान फुल दिया जाएगा। ये सस्पेंशन जो है वो डराने का प्रयास नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं? विपक्ष तो कह रहा है कि डरा रहे हैं आप लोग। ये डराने के लिए नहीं होता, यदि उन्होंने ऐसा आचरण नहीं किया होता तो क्या वो सस्पेंड होते? तो ये डराने का मात्र एकमात्र ये तरीका है, तो ये तरीका तो नहीं इस्तेमाल हो रहा है। ये तो अपनी वीडियो देखें स्वयं कि उनका किस प्रकार का आचरण था, वो आचरण इस सस्पेंशन की परिधि तक आता था और इससे बड़ी भी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन चेयरमैन सर ने और स्पीकर साहब ने उतना ही किया है जितने के जितना जितनी नियमों के अंतर्गत उनके अनुशासनहीनता आती है। शुक्रिया आपका सर। कुमार गौरव, News24 दिल्ली। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।